नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। आप सभी का आज हम एक बहुत ही अहम विषय के साथ आप सबके साथ जुड़ रहे हैं साथियों। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो बाहुबली शब्द रहा है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहा है, चुनावों के नज़रिए से देखा जाए और राजनीति के नज़रिए से देखा जाए। तो इतिहास में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कई सारे बाहुबली रहे हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं। कुछ संसद तक पहुंच गए, कुछ विधानसभा तक पहुंच गए, उनका परिवार भी विधानसभा संसद घूम आया है। और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अगर इस बार के चुनाव देखें तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दलों को इन बाहुबलियों से जो मोहभंग एक शब्द होता है वो होने लग गया है। बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीमो, उनका जिस तरह से आज एक ट्वीट आया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को इस बार वो टिकट नहीं देंगी। उसके अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2017 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंसारी बंधुओं को पार्टी में शामिल करने से बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने खुद मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को पार्टी में शामिल कराया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ पार्टियां जो छोटी पार्टियां कही जाती हैं, जो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती आई हैं, वो उत्तर प्रदेश में इस बार आ गई हैं और उनका ये कहना है कि इस बार का जो नतीजा होगा वो उन्हीं के दमखम पर, उन्हीं के ही नतीजों पर ही उत्तर प्रदेश की सरकार बनने वाली है। और उसी में से एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, AIMIM। अगर हम ओवैसी की पार्टी की बात कहें तो कहीं ना कहीं अगर हम बीते दिनों देखें तो जिस तरह से अतीक अहमद की पत्नी और उनका परिवार पूरा कुनबा अगर हम बताएं तो वो ओवैसी के साथ चला गया। और आज मुख्तार अंसारी का टिकट कटने के बाद, मायावती के ट्वीट के बाद, जिस तरह से ओवैसी की तरफ से ये बयान या उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि अगर मुख्तार अंसारी और उनका परिवार चाहे तो हमारे पास आ जाए, हम उन्हें आने वाले चुनाव में टिकट देंगे और उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाएंगे। 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब आगे उनकी रणनीति क्या है और 100 सीटों में कितनों में वो बाहुबलियों को उतारेंगे ये भी देखना अहम होगा, उनके परिवार वालों को उतारेंगे ये भी देखना अहम होगा। मायावती ने साफ तौर पर कुछ दिनों पहले ये कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इस बार पार्कों में अपना दिमाग, अपना जो धन बल है या अपनी जो सरकार का जो भी बजट होगा वो नहीं लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि प्रदेश का विकास हो। और इसी वजह से उन्होंने ये सफाई अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी में शुरू कर दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात आपको पता ही है। और एक और सबसे अहम बात ये है कि 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी के 114 ऐसे विधायक हैं, 114 ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, कुछ राजनीतिक दल सफाई अभियान कर रहे हैं तो कुछ ऐसे हैं जो अभी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनकी कमजोरी क्या है। और अगर ये बाहुबली दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो दूसरी पार्टियों का कितना कायाकल्प होगा ये भी सबसे अहम होगा। तो आज की डिबेट हमारी इसी पर है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए और कुछ बयान सुनिए। प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। चुनावों में बाहुबलियों को टिकट देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बसपा का साफ कहना है कि पार्टी कोशिश करेगी कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी माफिया या बाहुबली को टिकट ना मिले। इसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट भी किया और बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मऊ विधानसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबलिया माफिया को पार्टी से चुनाव ना लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में जो बाहुबली अपने आप को कहते थे, आज की तारीख में वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से भागने की कोशिश कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और जनता के नज़र में ये बहुत साफ आ चुका है कि योगी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो
तो माफिया, गुंडे, अपराधी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बात यह है कि 4-4.5 साल में जिस तरीके से सरकार चली है तो एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन अपने आप में महसूस कर रही है। वहीं ओवैसी अपनी पार्टी में हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जितने माफिया निकाले जा रहे हैं सबको वो अपनी पार्टी में शामिल कर लें। अपने यूपी दौरे के पहले ही दिन ओवैसी ने माफिया अतीक अहमद के पूरे खानदान को AIMIM में शामिल कर लिया। अब मायावती के ऐलान के बाद ओवैसी की तरफ से फरमान आया है कि मुख्तार अंसारी को AIMIM टिकट देकर विधानसभा भेजेगी। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश ने हाल ही में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी और उनके बेटे को पूरे जोर शोर से सपा में शामिल किया था। आप खुद सुनिए कि AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार का क्या कुछ कहना है। आपको जीतना नहीं देंगे, ये आपके पैसे भी लेंगे और आपको चुनाव भी हराएंगे, क्योंकि इनकी कम्युनिटी का वोट आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। ये आपके पैसे भी लेते हैं और आपके वोट भी लेते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप सबसे कि आइए हमारी पार्टी में, AIMIM में, हम आपको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे और आपको विधायक भी बनाएंगे। ये वक्त है इन फासिस्ट ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का। ये आज आपको भी इस्तेमाल करके कल आपको भी मक्खी की तरह छोड़ देंगे। AIMIM सबके लिए दरवाजे उसके खुले हैं। जिन मुसलमानों को टिकट चाहिए है आप इन हमारे पास आइए, हम आपको देते हैं टिकट। वहीं प्रसपा भी मायावती के फैसले से खास नाराज नजर आ रही है। प्रसपा ने BSP पर आरोप लगाए हैं कि एक तरफ तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को टिकट देकर लोकसभा भेजा जाता है तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखाती है। ये बात कुछ समझ से परे है। सर, उत्तर प्रदेश की पार्टियां जो है बाहुबलियों का टिकट काट रही हैं, बसपा ने हाल में ही मुख्तार अंसारी का टिकट काटा है। नहीं देखिए, ये तो बहुजन समाज पार्टी ही बता सकती है कि एक चुनाव में किस लोभ में, किस प्रलोभन में कौन ऐसी चीजें थी कि 2 साल पहले आपने ज्वाइन कराया, लोकसभा तक उनके भाई को पहुंचाया और आज आप टिकट काटने लगे। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये हर समय आप देखिए, किसी भी नेता के लिए देखिए, वो उनके अपने समाज से, अपने वर्ग से आने वालों नेताओं के लिए तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कोई जनाधार है और ना आने वाला भविष्य अब बहुजन समाज पार्टी का है। तो ऐसे भी लोग नहीं रहना चाहते बहुजन समाज पार्टी में। सर, अधिक अहमद, एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर लेकर माफियाओं के काले किलों को ढाने में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरे दल उन्हीं माफियाओं के रहनुमा बने पूरे राज्य में अपना परचम फहराना चाहते हैं। हाँ, मायावती अपवाद के रूप में काम कर रही हैं, जिन्होंने मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन जब दूसरे दलों पर यह आरोप लगता है कि वो माफियाओं को टिकट देकर विधानसभा भेजना चाहते हैं तो वहीं दूसरे दल झट से BJP पर आरोपों की छड़ी लगा देते हैं। आप खुद सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है। हमारे भाई अतीक अहमद साहब के ताल्लुक से क्या वो ले रहे हैं, इनके खिलाफ केसेस बुला हैं, ये हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 37% जो BJP के MLAs हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। BJP में जो 116 MP हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 87% BJP MPs के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। 116 में से जो ADR की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि BJP हैज मोस्ट नंबर ऑफ MPs एंड MLAs विद केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। खैर, 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हर दल ये चाहता है कि उनके ज्यादा से ज्यादा नेता विधायक बने और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके। इसके लिए राजनीतिक दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे माफियाओं का साथ लेने की बात ही क्यों ना हो। लेकिन इस चुनावी माहौल में जिस तरह से मायावती ने मुख्तार को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लिया, वो कहीं ना कहीं अपने आप में तारीफ के काबिल है।
क्योंकि 4.5 साल से बहन मायावती जी कहाँ थी, क्योंकि मालूम है 2022 पर चुनाव प्रस्तावित है तो कहीं कोई ज़मीन नहीं है। हाथरस की बेटी जला दी जाती है तब बहन मायावती कहाँ थी, सोनभद्र में इतनी बड़ी घटना होती है तब बहन मायावती कहाँ थी, जब उत्तर प्रदेश जल रहा था, दलित हो, पत्रकार हो, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, लगातार उत्पीड़न की घटनाएं हो रही थी, तो बहन मायावती क्या थी। तो अब दरकत हुई ज़मीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए मायावती इस तरह का प्रयोग समय समय पर करती रही। बहरहाल चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य दल, सभी पर दागी नेताओं का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चुनाव में धन बल और बाहुबल का सहारा लेना राजनीतिक दलों की मजबूरी सा बन गया है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ बाहुबलियों और सफेद पोश नेताओं का गठजोड़ बहुत पुराना है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो साथियों, आज की इस डिबेट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपसे उनको तारुफ कराते हैं। केसी जैन हैं बीजेपी से, जो पार्टी का पक्ष रखेंगे। शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी से हैं, जो पार्टी का पक्ष रखेंगी। इसके अलावा डॉक्टर आर बी रावत हमारे साथ मौजूद हैं विश्लेषक के तौर पर, और एडवोकेट अभिषेक मिश्रा हैं विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो बहुत ही अहम होता है हमेशा से ही, और इस बार ये अहम और हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता था कि स्टेट की पार्टीज, लेकिन अब इस स्टेट की पार्टीज में कुछ बाहर की पार्टियां भी शामिल हो रही हैं, और उन पार्टियों ने कहीं ना कहीं प्रयास ये किया है कि जिन बाहुबलियों का टिकट स्टेट की पार्टीज ने, बड़ी पार्टीज ने काटा है, उनको अपने पाले में शामिल किया जाए, उनका वोट बैंक अपने पाले में शामिल किया जाए। जैसा कि अभी जिस तरह से असीम वकार, जो कि AIM के प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि दूसरी पार्टियां जो थी वो आपका पैसा भी लेती थी, आपका वोट भी लेती थी, और कुछ नहीं मिलता था, हमारे पास आई है। लेकिन जिस तरह से एक सर्वे जो था, या फिर एक सर्वे क्या, एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताऊं, तो जब 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा में 143 विधायक ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। इसके अलावा सपा में 14, बसपा में 5 और कांग्रेस में 1। मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो नेता हैं उनको ये जो जगह है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में ही मिलती आई है और मिल रही है, और अभी का भी वही हाल है। सवाल यहाँ पर कुछ ऐसे खड़े होते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज जो फैसला लिया है वो बिल्कुल आखिरी समय पर आकर क्यों लिया। दूसरी चीज, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही मुख्तार अंसारी के परिवार में सांसदी का टिकट दिया, सांसद पहुंचाया, विधानसभा का टिकट दिया, विधायक बनाया, तो अब तक उनको क्यों इस तरह के जो आपराधिक छवि या फिर बाहुबली टाइप के जो नेता थे उनका असली चेहरा नहीं दिखाता और अब उन्होंने ये फैसला लिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में जिस चीज को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी 2017 में, उसी पर ही इस बार अखिलेश यादव काम करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार को पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई है। नई पार्टियों ने भी अपनी कोशिश शुरू कर दी है कि इन चेहरों को जिनको पार्टियां बाहर निकाल ली उन्हें अपने साथ लिया जाए, और कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें सफल रही है, क्योंकि बीजेपी ने प्रयास यही किया था कि जो बाहुबली हैं, जिनका टिकट पक्का रहता है, जिनकी जीत पक्की रहती है, उनकी कमर तोड़ी जाए, उनका घर गिराया जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, ताकि ये जो वोट बैंक है ये पार्टियों के पास से खिसक जाए, वो जो प्रत्याशी है वो पार्टियों के पास से खिसक जाए और कहीं ना कहीं नुकसान विपक्षियों को पहुंचे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बीजेपी के पास चलते हैं। जैन साहब, बहुत बड़ी कामयाबी है इसको कही जाए आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने प्रयास किया कि जो उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी बाहुबली हैं उनकी संपत्तियां जब्त की जाए, उन्हें जेलों में भेजा जाए, उनकी कमर तोड़ी जाए, और कहीं ना कहीं उसमें अब आप लोगों को सफलता भी मिल रही है, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किनारा काट लिया है इन बाहुबलियों से, तो आप लोग सफल हो गए हैं। जैन साहब आवाज, हाँ जी, जैन साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए चलिए हम बाकी मेहमानों को जोड़ते हैं। शिल्पी चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को पार्टी में ज्वाइन कराया, 2017 में वो इससे किनारा कर रहे थे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को जब ज्वाइनिंग कराई तो मायावती उसी से नाराज हो गई और इसी वजह से उन्होंने मुख्तार अंसारी को ये कह दिया कि हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे? देखिए,
बसपा सुप्रीमो के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, विशेषाधिकार इन्हीं का है कि उनकी पार्टी में कौन रहेगा या नहीं रहेगा। जहां तक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई का सवाल है तो मुझे अभी उनकी पृष्ठभूमि ये नहीं पता है कि क्या उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे हैं या नहीं। अगर हैं तो बात अलग विषय से होगी, अलग दिशा में होगी। अगर नहीं है तो किसी एक व्यक्ति की वजह से उसके पूरे पूरे परिवार को क्यों टारगेट किया जाए? 2017 में आप लोग मना कर रहे थे, 2017 में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमने की जो अब हम 2022 के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कांग्रेस के साथ जा रहे थे मगर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम बड़ी पार्टियों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जी हर एक चुनाव के साथ आते हैं हर बड़ी पार्टी। चलिए चलिए हम आगे चलते हैं। जैन साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी। ये था आपसे क्योंकि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे थे, प्रदेश की सरकार काम कर रही थी कि बाहुबलियों की कमर तोड़ दी जाए, आप लोगों ने तोड़ भी दी, कईयों को जेल में भेज दिया, कईयों के घर गिरा दिया, संपत्तियां जब्त कर ली, तो कहीं ना कहीं कामयाब आप लोग हो गए क्योंकि आप लोग चाह यही रहे थे कि जो पार्टियां हैं अलग अलग विपक्षी दल वो इनको पार्टियों से बाहर कर दें या इनका टिकट काट दें या फिर जो सपोर्ट इनसे लेते थे वो सपोर्ट ना मिले। कहीं ना कहीं आप लोग इसमें कामयाब हो गए। देखिए नितिन जी बात दो चीज ये है, आज पहली बात तो बहुत अच्छा विषय आप लेकर के आए हैं और हमें लगता है कि इसीलिए मैंने कहा ना कि आप लोग कामयाब हो गए, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग कामयाब हो गए। देखिए चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी हो, जो भी दुर्दांत अपराधी हैं, जो भी जो न्यायिक व्यवस्था है उससे इतर जिस प्रकार से गुंडागर्दी के बल पे जिस प्रकार से भूमि पे कब्जा कर रहे हैं और जो इनलीगल संपत्तियां थी उनकी लगातार गिराई गई और लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त की है इन बाहुबलियों से, इन अपराधियों से। तो अपराधियों को जब बाहुबली नाम दे दिया जाता है तो उनका महिमा मंडन होता है, वास्तव में अपराधी अपराधी होता है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य अंतर्गत रहते हुए जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए जो भी संपत्तियां चाहे मुख्तार अंसारी की हो चाहे अतीक अहमद की हो या और जो भी अपराधी हैं, जो भी संपत्तियां उनकी जो इनलीगल संपत्तियां थी जब्त की गई चाहे बुलडोजर से जो अस्तबल था वो हराया गया, तो पूर्ण रूप से जो भी कार्रवाई की गई जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, क्या इस बार उनको टिकट मिलेगा? नहीं नहीं देखिए 147 विधायक जब हमारी संख्या 300 के ऊपर है, 147 बनते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक मुकदमे हैं। अच्छा, और दो तरीके के मुकदमे होते हैं, जो राजनीतिक मुकदमे क्या माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर 500 मुकदमे बीएसपी सरकार में नहीं लगे, वो राजनीतिक मुकदमे थे, वो वापस भी हुए, जब वो सरकार में आए तो उन्होंने अपने मुकदमे वापस भी लिए। तो दो चीजें होती है, एक राजनीतिक मुकदमे और एक आपराधिक मुकदमे। तो राजनीतिक मुकदमे अगर किसी भी नेता पर है तो हर एक नेता पे राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे है जो हत्या रेप और फिरौती इस तरीके के जिनके ऊपर केसेज है उनको बिल्कुल राजनीति से हर एक पार्टी को ऐसे लोगों से किनारा रखना चाहिए। और ये शुरुआत ऐसा नहीं है कि हम करें तो आप करें, आप करें तो हम करें, सारी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये अपराधी जो है मैं आपको बताऊं नितिन जी, ये अपराधी लगभग हर एक पार्टी में किसी में 100% है। अब मैं आपको बताऊं 111 अपराधी थे पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में, जब इनके 200 प्लस विधायक थे, 220 के आसपास विधायक थे, उनमें से 111 अपराधी थे जिनमें से 56 के ऊपर लूट डकैती बलात्कार हत्या। अच्छा, आपके भी वैसे 100 ऐसे 100 से ज्यादा ही विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, राजनीतिक नहीं है। नितिन जी जो आपराधिक मुकदमे हैं देखिए उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय बैठा हुआ है। नहीं मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, जिन भी अपराधियों मैं बस मैं आपको बता दूं
जो भी अपराधी देखिए उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक ही है। अगर राजनीतिक नहीं होते तो उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होकर के अब तक उनको भी सजा हो जाती। लेकिन जिन्होंने भी मुकदमे कायम कराए, जिन्होंने मुकदमे कायम कराए, ना तो वो गिरफ्तारी करा पाए, ना वो कुर्की करा पाए, ना वो जेल भिजवा पाए। क्यों? क्योंकि हल्के फुल्के मुकदमे हैं और वो केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए। लेकिन जिन लोगों ने, अरे भाई जैन साहब, शिल्पी जी कुछ बोलने जवाब ले लीजिए। शिल्पी जी क्या कह रही थी, कुछ सुनने में नहीं आ रहा था। मैं कह रही हूँ कि जो भाजपा के साथ है उसके ऊपर जो मुकदमे और धाराएं हैं वो सब राजनीतिक हैं, और जो भाजपा के विरोध में हैं वो सब आपराधिक मुकदमों के तहत आते हैं, वो सब अपराध। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प, ये भी एक दिलचस्प बात है कि जिसके ऊपर ज्यादा मुकदमे होते हैं भाजपा ज्वाइनिंग भी उन्हीं की कराती है। हाँ, उसी की लॉन्ड्री से धुलाई। क्यों जैन साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस से, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मुख्तार अंसारी ने भाजपा ज्वाइन कर ली? क्या आतिक अहमद ने भाजपा ज्वाइन कर पाए? क्या और वहीं पे ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस से यहाँ पर आते और पार्टी ज्वाइन करते हैं? देखिए शिल्पी जी कुछ पूछ रही हैं, जैन साहब जैन साहब शिल्पी जी कुछ पूछ रही हैं। एक मेरा प्रश्न सर आप जवाब दीजिए, बताएं कि ये बताएं कि सिर्फ क्या एक वर्ग विशेष के लोग ही बाहुबली है उत्तर प्रदेश में? कोई भी दूसरे वर्ग का व्यक्ति बाहुबली नहीं है। आतिक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, लेकिन इसमें कोई जैन नहीं है, कोई गुप्ता नहीं है, कोई चौधरी नहीं है, कोई पटेल नहीं है। सिर्फ यही लोग बाहुबली हैं ये, और इनको ही मीडिया हाइप देकर इतना कुछ हिंदू मुसलमान करने की फिर से एक तैयारी। तो विकास दुबे का नाम नहीं पता है क्या आपको? विकास दुबे का नाम देखिए, देखिए एक विकास दुबे का नाम, देखिए 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 स्मृति जी में आ गए थे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आप विकास दुबे तो यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं जी। नहीं नहीं खुल लीजिए, देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान, दूसरी तरफ इतना अच्छा विषय है। हमने कहा हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं अपराधी में किसी में 1-2% है, किसी में 100%, लेकिन सबको शुरुआत करनी पड़ेगी, सबको अपनी अपनी पार्टी को साफ करना पड़ेगा जिससे कि इन अपराधियों का मनोबल गिरे और समाज में सुचता व्याप्त हो, जिस उद्देश्य से राजनीतिक दलों की स्थापना हो। चलिए हम बाकी मेहमानों को जोड़ते हैं, पूर्ति के लिए विधायक मंत्री काम कर रहे हैं। नहीं, बस मैं दस्तखत लूंगा। श्रुति जी को मैं एक जवाब दे दूं, देखिए यहाँ पे हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं हो रही है। श्रुति जी सीधे डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की तरफ। लाभ किसको मिलता है हिंदू मुसलमान का? आप लोगों को लाभ इन्हीं को मिलता है। दरअसल समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती रही, इसलिए ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। चलिए चलिए बाकी मेहमानों से, बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूँ, बाकी मेहमानों को जोड़ने दीजिए जैन साहब, आते हैं हम आपके पास। हम डॉक्टर आरपी रावत के पास चलेंगे। रावत साहब, ये बसपा में क्या हो गया अचानक से? मुख्तार अंसारी से बहन जी अचानक से नाराज हो गई, क्यों, क्या कारण हो गया? क्या अब तक उनके आपराधिक इतिहास के बारे में बहन जी को नहीं पता था? बहन जी ने सांसद विधायक सब कुछ बनवा दिया, लेकिन अब अचानक से चुनाव करीब आते ही उन्होंने कहा कि हम टिकट काट देंगे, काहे के लिए? जैसे शिल्पी जी ने अभी कहा कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि मुस्लिम ही दिखते हैं, वैसी जी ने भी इस पे बात की है कि क्या यही देख रहे हैं अतीक हैं, मुख्तार हैं और नहीं दिख रहे हैं? तो रीजन क्या है कि परसेप्शन को काउंटर करने के लिए हमको लगता है मायावती जी ने कहा है कि उनका टिकट नहीं, जिससे कि और उनका एक समीकरण बनता है। राजनीतिक पार्टियां हमें जीत के लिए ही अपने कैंडिडेट को उतारती हैं। अभिम राजभर जी और बीएसपी का वोट मऊ में बहुत अच्छा समीकरण है, जिससे उनकी सीट एक अच्छी फाइट करेंगे, हो सकता है वो सीट निकाले। लेकिन एक चीज में पढ़ रहा था रावत साहब कि इस बार के कार्यकाल में जी मुख्तार अंसारी पे जहां तक कोई बड़ा आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। एक मामला उनका वो बाराबंकी का एम्बुलेंस वाला था, जिस वो भी शायद पुराना मामला है लेकिन उठा वही था। तो इस बार कोई ऐसा बड़ा आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, लेकिन इस बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाना, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि ये प्रशासन का फेलियर होता है, ये रॉबिन हुड, कोई ये मुख्तार अंसारी जी नहीं है। आप रायबरेली में अखिलेश सिंह रहा करते थे, आप देखिए ये उन्नाव के विधायक जो अभी तो जेल में है, और कई सारे विधायक, आप रघुराज प्रताप सिंह जी को ले लीजिए। तो ये क्या है कि ये जनता से मिले हुए हैं। राजनीतिक पार्टी को जीतना होता है, बाहुबली कोई डिफिनीशन तो है नहीं, उस सरकार को ही तय करनी होती है। तो ये राजनीतिक इनके ऊपर मुकदमे हैं और ये जनता में है, उनको जीतना है। तो ये एक बड़ा कारण राजनीतिक पार्टी के पास, इसलिए देखिए आप सत्ता के साथ ज्यादा ऐसे विधायक मिलेंगे आपको जो बाहुबली प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि उनको सत्ता में आना होता है, उनको भी जरूरत होती है, और सत्ता जिसको चाहिए उसको भी जरूरत होती है।
इनकी छवि उनके क्षेत्र में अच्छी होती है। अच्छा, जैन साहब की बात से कितना सहमत है आप? वो कह रहे थे कि हमने घर गिरवा दिए, हमने संपत्तियां जब्त करा ली। जैन साहब ने तो ये प्रसप्शन क्रिएट किया ना भाई, जब आप आरडीआर की रिपोर्ट आप पढ़ रहे थे अभी, तो उसमें 114 एमएलए ऐसे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर संगीन मुकदमे, वो राजनीतिक मुकदमे बता नहीं नहीं मुकदमे राजनीतिक मुकदमे थे, योगी जी के ऊपर थे, उन्होंने हटा लिए, और लोगों पे थे, लेकिन इनके बाकी विधायक के ऊपर, सेंगर जी के ऊपर क्या, ब्रजेश सिंह के ऊपर, ये क्या राजनीतिक मुकदमे हैं? जैन साहब तो बता रहे थे यही चीज, जैन साहब को क्लियर करना चाहिए। चलिए अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है इस वक्त, छोटी पार्टियां आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जिन बाहुबलियों को निकाला जा रहा है वो हमारे साथ आ सकते हैं। आज बसपा सुप्रीमो ने ये क्लियर कर दिया कि हम मुख्तार अंसारी का टिकट काट देंगे। अतीक अहमद, उनका परिवार जो है वो ओवैसी के साथ जा रहा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गठजोड़ अब शुरू हो गया है, वो भी उस वक्त जब चुनाव करीब है और मुद्दे कुछ और होने चाहिए थे, जनता से जुड़े होने चाहिए थे, समाज के कल्याण के मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त बाहुबली मुद्दा बन गया है, तो ये कितना सही है और इससे कितना फायदा होगा? दूसरी चीज, बीजेपी ने जो कार्रवाइयां करी हैं, क्या ये उसी का नतीजा है कि बसपा सुप्रीमो ने मुख्तार अंसारी के लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया? देखिए, सन 1947 के बाद से जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में बहाल हुई है और सामान्य चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, उस दरमियान आप देखिए कि एक समय था जब बहुत स्वच्छ शब्द के लोग इस देश की राजनीति में आते थे, चाहे प्रदेश की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, लेकिन धीरे 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 1970 बाहर 75 मैं कहूँगा 75 या 78 के बाद से, जब एक समय ऐसा आया जब इन राजनेताओं ने अपराधियों का की मदद लेना शुरू की, बैलेट पेपर लुकवाना, मतदान पेटिका में पानी डलवा देना, लोगों को एरिया में जबरदस्ती वहां गुंडई करा करके अपने पक्ष में वोट डलवाना, ये सब काम शुरू हुए, और उसके बाद जीतने के बाद उन माफियाओं को संरक्षण देना, राजनीतिक संरक्षण उनको दिया जाता था कि ठीक है, अब कुछ भी करो, कानून तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। धीरे 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 90 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश की तो खास तौर से वो पोजीशन बनी कि माफियाओं को लगा कि जब मैं एमएलए बना सकता हूं तो मैं बन क्यों नहीं सकता हूं, और उसके बाद से इस 90-80-85 के बाद से लेकर के और सन 2000 तक तो बहुत आराम से राजनीति में, मतलब एक तरह से अपराधियों का पूरा बोलबाला हुआ। ये जितने लोगों का नाम आप ले रहे हैं या जो लोग आज की तारीख में जीत रहे हैं पुराना टाइम से लेकर के, ये उसी दरमियान के लोग हैं जो 80 के बाद से राजनीति में आए हैं और उसके बाद से लगातार बने हुए हैं, अभी भी बने हैं, जिन लोगों का, जिनको भी आप बाहुबली मानते हैं। 17 के बाद से स्थितियां काफी सुधर गई वैसे? नहीं, स्थितियां कहीं नहीं सुधरी हैं। अच्छा, स्थितियां कहीं नहीं सुधरी। अभी आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया, एडीआर की रिपोर्ट में आप खुद बता रहे हैं कि 2017 के इलेक्शन में 143 एमएलए बीजेपी के राजनीतिक मुकदमे है, जैन साहब बता रहे नहीं, जैन साहब कह रहे हैं ठीक है, जैन साहब का अपनी मजबूरी भी है और कहना भी चाहिए, खैर उनके अपना एटीट्यूड है, वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं, लेकिन जनता या हर आदमी एक तरीके से नहीं सोचता है, चीजें दिखाई पड़ती हैं, स्पष्ट समझने वाले समझेंगे, जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। जबरदस्ती से बात करना अलग विषय होती है और तर्कसंगत बात करना विषय अलग होती है। बहुत स्पष्ट बात मैं पूछना चाहता हूं जैन साहब से सबसे, अगर 143 एमएलए अपराधी हैं और दूसरी पार्टी जिसको आप बता रहे हैं कि पिछली बार के इलेक्शन में इतने एमएलए थे, वो उसमें 14 समाजवादी पार्टी में आए, आपने कार्रवाइयां की, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप अतीक अहमद के खिलाफ कीजिए, आप विकास दुबे के खिलाफ कीजिए, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन ये जो 143 एमएलए हैं, इन 143 एमएलए में 10 नाम आप बता दीजिए कि साहब ये एमएलए भारतीय जनता पार्टी जीत के आए थे, माफिया हैं, इनके हमने कमर तोड़ दी, इनके मकान गिरवा दिए, इनकी संपत्तियां जब्त कर दी, इनके खिलाफ गैंगस्टर लगाया, इनके खिलाफ गुंडा किया, नहीं किया। जिन लोगों के बारे में आप बात करते हैं ये वो लोग हैं जो आपके विरोधी थे। जैन साहब, मैं बात पूरी कर लूं अपनी बात, क्योंकि जैन साहब जब कहना शुरू करेंगे तो दूसरे को बोलने मौका नहीं देंगे, बेशक वो मुस्कुराएंगे, वो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कह सकते हैं कुछ भी कहेंगे, वो मेरी पूरी बात हो जाएगी। अब देखिए, अब दूसरी बात ये हुई, जिन दो चार चेहरों का आप नाम लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्वांचल की राजनीति में अपना झंडा गाड़ने का तरीका हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिक विध्वंसक हो रहा है, क्योंकि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो ही माफिया हैं? या तो आप ये कहिए कि इस उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं है अलावा इन दो लोगों के, तो मैं मान लेता हूं। अच्छा, क्या मुसलमान? और अगर नहीं है, अगर हैं, तो क्या ये पूर्वांचल की राजनीति में अपना बाहुबल झंडा गाड़ने के लिए किया जा रहा है या वास्तव में अपराधी को खत्म करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि अपराध तो खत्म नहीं हो रहा है, आप अपराधी भले खत्म कर लीजिए, लेकिन आप कोई एक साल नहीं गिना सकते 2017 से लेकर 2021 में जहां कोई ऐसी हृदय विदारक घटना ना की हो कि जिसने लोगों का दिल हिला दिया हो। हर एक साल 2017 से लेकर 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, हर साल ना तो आप ये कह सकते हैं कि इस साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ना आप ये कह सकते हैं कि इस साल में कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं हुई।
कोई नहीं कह सकता। बीजेपी दूसरी तरफ आपका एसपी, आपके जिले का एसपी एक्सटॉर्शन मनी मांगता है और लोगों ने वीडियो बना के आत्महत्या की है। नेता की तो बात छोड़िए, आपके राज में तो अधिकारी ने भी एक्सटॉर्शन मनी मांगा है और आज भी भागा भागा घूम रहा है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर पाए हैं उस एसपी को। अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार, अमिताभ ठाकुर को आपने गिरफ्तार कर लिया, खैर कोई बात नहीं है, वो आपने कुछ भी किया हो। अब एक बात अभी आप कह रहे थे केशव जी कि ये राजनीतिक सारे मुकदमे हैं जिन लोगों के खिलाफ है। अच्छा जैन साहब, तो कुछ बोल रहे हैं, अभिषेक जी जवाब ले लीजिए फिर बोलिएगा। हाँ जैन साहब बताएं। देखिए नितिन जी, अभी जो है जो विश्लेषण किया रावत जी ने जी, उसमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि जो अपराधी होते हैं, खास करके अपराधी राजनीतिक सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और वो सत्ता के साथ तुरंत परिवर्तन। हाँ बिल्कुल, अभी दिख रहा है वो आप लोगों की सत्ता के हिसाब से। हाँ जी, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन यही मुख्तार अंसारी, यही अतीक अहमद, जिस प्रकार से अन्य पार्टियों का इनको सत्ता में रहते हुए संरक्षण मिलता रहा, जब इनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिला, साथ ही साथ इनकी कमर तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, तो आज बहन मायावती जी को सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नोट जारी करके कहना पड़ रहा है कि हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। देखिए यही राजनीतिक शुचिता है, यही एक अच्छी और बड़ी शुरुआत। अगर यही काम वास्तव में अच्छा, पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने किया होता तो बहुत सारे अपराधियों ने किनारा कर लिया होता। और देखिए शुरुआत हमने की, अब क्या है कि उसको जैन साहब कर रही है। जैन साहब मैं एक चीज कहूंगा, जैन साहब मैं उसको फॉलो करे, उसको कांग्रेस फॉलो करे। अच्छा मैं एक चीज कहूंगा जैन साहब, सुनिए सुनिए, सब कहते सब ये कहते, ये विपक्षी जो कहते हैं कि मेरा एक सवाल ले लीजिए, उसपे मैं चाहूंगा जवाब देते। ये जो विपक्ष के लोग हैं ये सब कहते हैं कि ये ओवैसी आपकी बी टीम है और ये जितने भी मुख्तार अंसारी या जितने लोग हैं ये सब कहीं ना कहीं उधर के संपर्क में हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैं आपको आपको बताऊं, पहले मैं जो कह रहा था मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दरअसल ये देखिए जो राजनीति में एक अच्छी शुरुआत हुई मुख्य रूप से, और हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सारी शुरुआत करे, बसपा करे, सपा करे, कांग्रेस करे, लेकिन जो अपराधीकरण है राजनीति का, धीरे धीरे इसी तरीके से उसका सफाया होगा और कमी ऐसा भी आएगा कि एक भी अपराधी को कोई भी राजनीतिक दल टिकट नहीं देना चाहेगा। नहीं तो खाली विपक्ष में होगा कि सत्ता वाले भी करेंगे भाई। ओवैसी का जो आपने सवाल किया मैं आपको बता दूं। हाँ? देखिए जब ये राजभर के साथ ओवैसी टीम बना करके काम कर रहे थे अभी तक, और जब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से संपर्क नहीं किया था तब तक ये जो है बी टीम थे। अच्छा। लेकिन जो ही राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया, उसके बाद में ओवैसी जी राजभर जी को गाली देने लगे और राजभर जी ओवैसी की पार्टी को गाली देने लगे, लेकिन बाद में फिर एक हो गए। तो पहले ये तय कर ले, और समाजवादी पार्टी भी कहने लगी कि हम बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, राजभर से गठबंधन कर लेंगे, ओवैसी से गठबंधन कर लेंगे। क्या चाहते हैं आपसे कर ले? गठबंधन कर लेंगे। आप क्या चाहते हैं आपसे कर ले? नहीं तो मतलब जिससे वो गठबंधन कर रहे हैं, अगर वो हमारी बी टीम है तो उससे गठबंधन क्यों करना चाह रही भाई समाजवादी पार्टी? हेलो जी जी शिल्पी जी बताएं कि ये सवाल जो पूछ रहे हैं जैन साहब। अच्छा चलिए मैं फिर शिल्पी जी से जुड़ूंगा। आरबी रावत जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो जैन साहब अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम छोटी पार्टियों का साथ लेंगे, बड़ी पार्टियों का साथ नहीं लेंगे, वो ऐसे जब तक राजभर के साथ थे तब तक वो बी टीम थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो किनारा उनसे हुआ तो मतलब अब वो जब जैसे ही उनसे किनारा हुआ तो वो लोग कह रहे हैं या विपक्ष भी कह रहा है कि वो बी टीम नहीं रह गए हैं, तो इससे ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है बाहुबलियों को इधर से उधर उधर से इधर करने में, तो इससे क्या मुसलमान भी नाराज हो सकता है राजनीतिक दलों से? बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम हो या दलित हो उसके जो मुद्दे होते हैं वो हर मुद्दों को लेकर कोर्ट नहीं जा सकता, वो 20 साल वहां दौड़ नहीं सकता है। जो ये कथाकथित बाहुबली हैं ये उनके छोटे छोटे मामलों को निपटाते हैं। आप ये मुख्तार का उदाहरण ले लीजिए, रघुराज प्रताप सिंह का उदाहरण ले लीजिए, और कुलदीप सेंगर का उदाहरण ले लीजिए। तो जनता में इनका इसीलिए एक बन गया माहौल कि ठीक है हमारे छोटे मोटे काम कुछ नहीं, तो एक एरिया में क्या है कि लाइट नहीं जानी है, पानी नहीं रुकना है, सफाई होनी है, कम से कम उस क्षेत्र का विकास हो जाता। तो ये परसेप्शन ये पूरी तरह से प्रशासन का फेलियर है।
और ये तभी दूर हो सकता, कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं देगी तब भी उनका जनता में एक उनको लेना ही पड़ेगा, उनको पीछे से लेना पड़ेगा उनके समर्थन के लिए। आप देखिए ना निर्दलीय जीत रहे हैं ना रोजगार प्रताप सिंह, मुख्तार जी निर्दलीय जीत रहे हो तो पार्टी का एक बस झंडा है। चलिए शिल्पी जी जुड़ गए हैं। शिल्पी जी ये केसी जैन साहब कह रहे थे कि आप लोगों ने कहा कि हम बड़ी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ में ले आएंगे तभी बीजेपी को हरा सकते हैं, और आप लोग कह रहे थे कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी की, लेकिन वो सब तो आप ही के साथ है। हमारे साथ कब हुए हैं ओवैसी, हमारे साथ कब से आ गए भाई, ये तो जैन साहब बताएंगे। वो कह रहे छोटी छोटी पार्टियां आप लोग ले आएंगे अपने साथ। नहीं नहीं देखिए राजभर साहब तो खुद शाम कहीं चाय पीने चले जाते हैं, कहीं मिलने चले जाते हैं, ओवैसी कहते हैं कि भाई हमारे पास आ जाएं, जो बसपा से निकाले गए ओवैसी ने अब आके वहां पर एक हिंदू मुसलमान का राग छेड़ दिया कि अयोध्या नहीं है ये फैजाबाद रहेगा। तो इस तरीके की विवादित जो बयान देते हैं वो लोग हमारे साथ कैसे आने लगे, ये तो जैन साहब का परसेप्शन है। जैन साहब से एक सवाल मेरा ये है कि 2017 से लेके अब तक, अभी 22 आया नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुल 7,000 एनकाउंटर हुए हैं। जैन साहब आप कह रहे हैं कि आपने अपराधियों की कमर तोड़ दी, 7,000 एनकाउंटर हुए हैं ये आपका डेटा है, सरकारी डेटा, और उसमें से केवल जो क्रिमिनल्स हैं वो केवल 68 मारे गए हैं। तो आप इस तरीके से कमर तोड़ रहे हैं ये, और इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान भी है और उनका ये वादा है की आवाज हम सत्ता में आने के बाद इन फर्जी एनकाउंटर की पूरी जाँच कराएंगे। जो आज आप कह रहे हैं ऐसा ना हो कि आप ही के अधिकारी और आपके मंत्री और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी इसके जद में आए, जिस तरीके से आज आप कर रहे हैं। 7,000 एनकाउंटर में से मात्र 68 अपराधियों के एनकाउंटर हुए, शेष लंगड़े लूले होकर पड़े हैं, मार दिए गए हैं। आप ये बताइए इसकी किसकी इसकी जवाबदेही कोई करेगा? आपने माफियाओं की बात करी और उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि केवल दो माफिया, एक अतीक अहमद दूसरे मुख्तार अंसारी। आप कुछ मुझे आवाज नहीं मिल पा रही, मैं भी आ रहा हूँ जैन साहब जी। जैन साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आपकी मिल रही है। जैन साहब शिल्पी जी कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में करीब 7,000-7,500 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 60-65 ही मुजरिम थे, जो अपराधी थे, और बाकी ऐसे लोग थे जिनकी जांच जब सपा 22 में आएगी तब करवाएगी और पता लगाएगी कि ये लोग कौन थे जिनको आप लोगों ने गोली मरवा दी। देखिए समाजवादी पार्टी की जो इस प्रकार की सोच है और जो ये लगातार अल्पसंख्यक वर्ग की सिर्फ राजनीति करते रहे, मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहे, इसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में उसका सफाया हो गया। ये 50 सीटें नहीं ला पाए, सत्ता में रहने के बाद में भी 50 सीटें नहीं ला पाए। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहे। अब इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दिखाई दे रहा है कि मुस्लिमों को आपने इनकाउंटर कर दिया। अरे उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय है, अभी आप क्यों बैठे? विपक्ष का काम है अगर सरकार कोई गलत काम करती है आप प्रश्न उठाइए। जरा जरा सी बात पे आप लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर आपको लगता है 700 लोगों का इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को मार दिया, गोली मरवा दिया, तो आप क्यों बैठे चुपचाप? आप जाइए उच्च न्यायालय, जाइए उच्चतम न्यायालय, जांच कराइए और ये भूल जाइए, ये भूल जाइए 2022 में आपकी सरकार आ जाएगी। सरकार का ख्वाब मत देखिए, दोबारा आप सरकार में आने वाले नहीं है। और दूसरी बात, आप जो बार बार ये बात कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो ये बात कहते हैं कि ओवैसी भी टीम है, उसका कारण यही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का वोट आपको चाहिए और मुस्लिम का वोट ओवैसी को भी चाहिए, तो दोनों का वोट बट गया ना, दोनों का वोट बट गया। तो कहते हैं ये तो भाजपा की टीम है इसलिए उसको वोट मत देना, आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। जैन साहब शिल्पी जी कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए कि ओवैसी जो है बी टीम, इसीलिए आप कह रहे हैं। अच्छा सुन तो लीजिए वो कह क्या रहे हैं, आप इनकाउंटर बता रहे हैं। अरे पहली बात तो 700 लोग मारे नहीं गए, जो अपराधी थे जो इनकाउंटर हुए 100 से ज्यादा। जैन साहब भाई सवाल तो ले लीजिए। अरे ठीक है अपराधी थे, अरे ठीक है, अरे पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ठीक है मंजूर है, माफ मानता हूँ, लेकिन सवाल तो लीजिए भाई अगले का। जी शिल्पी जी क्या कह रही थी आप बीच में? देखिए जैन साहब ये मेरा आंकड़ा है, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये आधिकारिक आंकड़ा है, पुष्टि हुई है कि 7,000 एनकाउंटर हुए हैं और इसमें से 68 मात्र अपराधी थे, कोई आंकड़ा नहीं, तो बाकी 6,500 लोग कहीं नहीं मारे गए, किसी में मरवा दिया गया। 700 लोग कहीं नहीं मारे गए, 7,000 लोग नहीं मारे गए, यही तो निकलेगा।
7000 बता रही हूँ, 4000 लोगों ने उनको जेल भेजा गया, उनको जेल भेजा। देखिए अभी निकलने लगा, अभी निकलने लगा, एनकाउंटर के आंकड़े भी निकल गए। 100 से ज्यादा जो दुर्दांत अपराधी मारे गए वो कौन थे? उनके ऊपर 50,000, 1,00,000, 2,00,000 के इनाम घोषित थे और आपने उनको छुट्टा साल बना रखा था पिछले 5 साल तक। जैसा कि राजेंद्र जी कहते थे कि हमने छुट्टा साल बाल रखे है, छुट्टा साल यही थे, यही छुट्टा साल थे, यही दुर्दांत अपराधी छुट्टा साल थे। जिनको ये बच्चों से कहते थे छुट्टा साल छोड़ देंगे, हमने छुट्टा साल बाल रखे है, ये यही दुर्दांत अपराधी थे और जिसकी जाँच आप कराएंगे 2022 में, जिनकी आप जाँच फिर से कराएंगे, दुर्दांत अपराधी क्यों मार दिए गए? जैन साहब अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। क्यों नहीं रखा? चलिए चलिए अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जैन साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, बताएं। नहीं, आपने कहा, अभी जैन साहब ने कहा कि सारे दुर्दांत अपराधी जिनको समाजवादी पार्टी ने छुट्टा साढ़ बना के रखा था, तो आपने तो उन सबको पकड़ के बंद कर दिया कांजी हाउस में, सारे साणों को। तो अगर सारे के सारे लोग जेल चले गए या आपके हिसाब से कांजी हाउस चले गए, तो अब ये अपराध जो 4 सालों से लगातार हो रहे हैं, या तो आप कह दीजिए कि हमारे राज्य में अपराध नहीं हो रहा है। वो कहते हैं आपके राज्य में अपराध नहीं, आप इस बात को मान लीजिए। सुन ली। और तो फिर ये बता दीजिए कि ये जो अखबारों में खबरें छपती हैं, ये जो मीडिया में डिबेट होती है, वो कहां से हो रही है? देखिए सुन लीजिए, मैं आप जैन साहब सिर्फ एक बात का मेरा जवाब देते। जैन साहब एक मिनट, एक सेकंड जैन साहब, 143 एमएलए में कितने एमएलए के खिलाफ आपने कार्रवाई की वो बताओ, बता दीजिए हमें। आप भारतीय जनता पार्टी के सारी चीजों को समझते हैं। देखिए जैन साहब एक सेकंड सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, जैन साहब से इतना बता दीजिए, 143 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जो थे अपराधी, उनमें से कितने एमएलए के खिलाफ आपने कार्रवाई की? आपकी बात, टिकट काट देंगे भाई। अरे कार्रवाई क्या की भाई, अपराधी है 143। हाँ कार्रवाई ये है, कार्रवाई ये है कि छुटपुट घटनाओं की उनके खिलाफ मुकदमे 143 एमएलए में। अरे वाह, 143 एमएलए के खिलाफ छुटपुट घटना आए हैं। तो जैन साहब सुन लीजिए, जैन साहब मुकदमे हैं उनके खिलाफ, कत्ल करना कत्ल करना छुटपुट घटना होती है, मर्डर करना क्या छुटपुट घटना है? केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ आपने मुकदमा वापस लिया है, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा था, मुकदमे नहीं है। आरटीआई के जवाब में आपके एसपी ने बताया है मौर्य जी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा वापस लिया गया है। क्या कत्ल का मुकदमा छुटपुट घटना है? क्या कत्ल का मुकदमा राजनीतिक विद्वेष या छुटपुट घटना है? नहीं, देखिए देखिए, उनके ऊपर हत्या के षड्यंत्र का मुकदमा था, हत्या का नहीं था। अच्छा, तो ये षड्यंत्र का मुकदमा राजनीतिक मुकदमा होता है, ये 120 बी का मुकदमा था, ना कि 302 का सीधे मुकदमा। अमिताभ ठाकुर और वो षड्यंत्र में शामिल नहीं। अबे एक एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को 120 बी के लिए ये आपने जेल में बंद किया है? अरे सुन लीजिए, अच्छा राजनीतिक जैन साहब, आप तो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, जैन साहब आप तो पैसे से अधिवक्ता भी हैं, ये बता दीजिए कि मर्डर की षड्यंत्र करने में अगर कोई अपराधी है तो क्या वो राजनीतिक अपराध, राजनीतिक विद्वेष से एफआईआर लिखी गई है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, और बिल्कुल होने का कुछ भी हो सकता है, होने का तो 76 में भी हो सकता है, होने का तो 76 में भी हो सकता है। नहीं नहीं सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, देखिए कुलदीप सेंगर जैसे जो अपराधी थे उन पे हमने कार्रवाई की, उनको पार्टी से बाहर किया। गलत बात कर रहे हैं, आपने तब किया जब समाज और मीडिया का प्रेशर पड़ा, आपने पहले नहीं किया। अरे सुन लीजिए, गायत्री प्रजापति को कौन पालता पोसता रहा, 376 के मुलजिम को मंत्री बना के कौन बैठाए रखा, कौन पार्टी थी? जितने हमने तो कार्रवाई की, जितने आप जब लीजिए ना, आप उदाहरण प्रस्तुत करिए। और हमारे साथ में हमारी बहन जो बैठी हुई है समाजवादी पार्टी की श्रुति जी, हमारी बहन जो बैठी हुई है, सर भ्रष्टाचारी और आपने मुसलमानों को आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार या कानून करने का अधिकारी है, मुसलमान कुछ भी करे मुसलमानों को सारा अधिकार है। और ये लोग तो ये वो लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी की वो पार्टी है जो आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने। हाँ जी, ये पार्टी के जैन साहब, आरबी रावत जी कुछ पूछ रहे हैं। मैं जो वर्तमान में आपके यहाँ मंत्री हैं उनका नाम है, आप मिनिस्टर बना के रखे हुए हैं जैन साहब, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? कुछ के तो वापस ले लिए हैं आप जो नाम गिरा रहे हैं, जो भी नाम है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में है तो सुन लीजिए, उनके खिलाफ अगर मुकदमा पंजीकृत है तो आप उनको सजा कराइए ना।
अरे उनका काम है थोड़ी ना भाई सजा कराना, लेकिन उनको जेल ये नहीं भेजेंगे, ये जेल नहीं भेजेंगे। मुख्तार अंसारी पे, अतीक अहमद पे इन्होंने थोड़ी ना कार्रवाई करवाई है। नहीं, और राजनीति का मुजफ्फरपुर घटना तो बड़ा दंगा था ना, उसपे जो नाम आया उसपे तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए कार्रवाई हमने कर दी, दो तरीके कार्रवाई है, जो प्रशासन का काम है प्रशासन ने उसको कर दिया, प्रशासन ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, आप जमानत कराइए उनकी, अगर वो अपराधी नहीं जमानत क्यों नहीं हो रही है? हमारे विधायक जेल में है क्या? नहीं, जो कैबिनेट में उनका क्या? आप उनको जेल भेजिए, तो उनके मकान नहीं गिराए जाएंगे। जो आपकी पार्टी में रहेगा अपराधी रहेगा उसका मकान नहीं गिराया जाएगा, उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी एमएलए को आपने दिया गैंगस्टर की नोटिस? बिल्कुल होगा। तो कुलदीप सेंगर, तो कुलदीप सेंगर ने कितने मकान गिराए आपने? कुलदीप सेंगर के ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करके उनकी कितनी संपत्ति आपने कुर्क की? कुलदीप सेंगर के खिलाफ कितनी संपत्ति कुर्क की आपने, बता दीजिए आप। गैंगस्टर देखिए, कुलदीप सेंगर ने अगर गलत किया उनको पार्टी से बाहर कर दिया। उनको क्या क्या सेंगर साहब के ऊपर सिर्फ 376 का ही मुकदमा है? सेंगर साहब के खिलाफ सिर्फ एक ही मुकदमा था 376 का, और कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं थे? उनको देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए केवल हम उसी पे चर्चा करते रहेंगे तो हमें लगता है सिर्फ वही बात। अच्छा, मैं जैन साहब आप इस पे सवाल नहीं कर रहे, इस पे आप जवाब नहीं पूछ रहे हैं जैन साहब, कि राजनीतिक पार्टियों को क्या यह अधिकार होना चाहिए कि आतंकवादी जो पूरे राष्ट्र के खिलाफ जो आतंकवाद कर रहे हैं उनके मुकदमे वापसी की पैरवी करें, उनके मुकदमे वापसी के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन दें, क्या ये होना चाहिए? मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी समझ रहा हूँ जैन साहब, मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन 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 अभिषेक, जब इस पार्टी की सत्ताधारी दल के सबसे ज्यादा एमएलए अपराधी होंगे तो ये घटनाएं तो होंगी। आज अपराध कर रहे हैं, कल आतंकवाद करेंगे, जेब पत्रों और दंगा भड़काने वालों को जब आप मंत्री बना के बैठाएंगे तब कोई समस्या आपके लिए नहीं रहती है। विचारधारा, आपकी विचारधारा समझ में इतने से आ रही है कि आपने एक बार भी प्रश्न ये नहीं किया कि हाँ आतंकवादियों के मुकदमे वापसी की। अच्छा, वैसे नहीं करनी चाहिए, सुन लीजिए, स्पष्ट कह रहा हूँ नहीं करनी चाहिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी को आतंकवादी के मुकदमे की पैरवी नहीं करनी चाहिए, कह रहा हूँ। चलिए, अब आप हमारी बात का जवाब दे दीजिए कि 143 एमएलए सत्ता पक्ष में जो पार्टी कहती है अपराध मुक्त समाज और अपराध का विरोध करती है, उसके 143 एमएलए क्लब कितनी कार्रवाई की? मैं कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी आतंकवाद का मुकदमा वापस लेने पर भी नहीं करनी चाहिए, मैंने कह दिया, मैं किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं हूं, लेकिन अब आप मुझे जवाब दे दीजिए इस बात का। हाँ, जवाब दे रहा हूं। देखिए, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, जो भी एमएलए एमपी है, उनकी अलग से कोर्ट है। नहीं तो मुख्तार अंसारी के लिए एमएलए एमपी नहीं लगेगा, अतीक अहमद के लिए नहीं लगेगा, विजय मिश्रा के लिए नहीं लगेगा, लेकिन बृजेश सिंह के लिए लगेगा। तो उनको देखिए, दो तरीके के अपराध होते, हमने बताया आपको, राजनीतिक अपराध अलग बात है, राजनीतिक मुकदमे अलग बात है, और जिनके खिलाफ संगीन मुकदमे वो अलग मुकदमे। समझना नहीं चाह रहे या समझ कर भी अनजान बन रहे हैं? अरे आप जेल भिजवाइए ना। अरे भाई, जेल हम भिजवाएंगे, जेल हम भिजवाएंगे उनको, सत्ता में आप बैठेंगे, जेल हम भिजवाएंगे उनको। क्या बात है जैन साहब, जमानत हो पाई? अच्छा देखिए, शिल्पी जी भी कुछ कह रहे भाई, जैन साहब, शिल्पी जी कुछ कह रहे जैन साहब सवाल ले लीजिए, शिल्पी जी कुछ कह रहे हैं जी, बताएं शिल्पी जी। नहीं, सवाल नहीं है, मेरी एक प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी की न्याय के समर्थन वाली, जो एकदम न्यायोचित वाली जो आपकी सरकार है, भाई आप भाई प्रार्थना में सुनो, हम सवाल ही नहीं कर रहे हैं, अरे हम आपसे सवाल ही नहीं कर रहे हैं, आपका तो बीपी बढ़ गया, हम आपसे कह रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार ने कानपुर शेल्टर हाउस कांड पे सवाल उठाने के विरोध में मेरे ऊपर मुकदमा लगाया, तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं और फिर मैं विधायक पक्की हो जाऊंगी तो मैं आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हूं। जब मैंने ये सवाल किया था कि कानपुर के सरकारी शेल्टर हाउस में 13 लड़कियां कैसे गर्भवती हैं, तो आपकी सरकार ने मुझे मुकदमा लगाकर जेल भेजा था। तो आज मेरी प्रार्थना यह है कि अगर भविष्य में मेरा विधायक बनना तय हो तो मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि ये भी एक मुकदमा आपका राजनीतिक ही रहा होगा। तो ऐसे लोगों का तो स्वागत है भाई। हाँ, मतलब मेरा मुकदमे में जैन साहब की आवाज नहीं मिल पा रही है, शिल्पी जैन साहब, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जैन साहब, शिल्पी जी कह रहे हैं कि एक मामले में जब कानपुर में
वहां पर कुछ बच्चियां गर्भवती मिली थी शेल्टर होम में, तो उन्होंने जब इसका इस पर सवाल उठाया था तो उनके ऊपर मुकदमा करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी तो उनके ऊपर का जो मुकदमा है वो हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी अपराधी को ना संरक्षण मिलने वाला है ना तो अपराधी ज्वाइन कर पाएगा पार्टी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ने बहुत प्रयास किया और कई अन्य पार्टियों के लोगों ने भी प्रयास किया। आप देखिए आजम खान साहब जेल में हैं और उनकी जमानत ये लोग क्यों नहीं करा पा रहे हैं? अच्छा ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले, जैन साहब जो सीए के मुकदमे में, सुन लीजिए मेरी बात, जो सीए के विरोध में जो लोग यहाँ पे आतंकवादी जैसी घटनाएं कर रहे थे उनकी भी ये जांच कराएंगे। अच्छा इनसे ये पूछिए इस बार अपराधियों को टिकट देंगे या नहीं देंगे? 2022 में अपराधियों को आप टिकट देंगे या नहीं देंगे? उनके सारे मुकदमे समाजवादी पार्टी वापस लेगी और उसकी जांच कराएगी। और ये बता रहे हैं कि मुसलमान क्यों मारे गए, अरे उसने बेचारे ने हत्या ही तो की थी, मुसलमान था छोड़ देते, वो आतंकवादी था तो क्या हुआ, मुसलमान है छोड़ दीजिए, अरे आपने उसका एनकाउंटर कर दिया, एक बार का इनामी था तो क्या हुआ, 10-5 कतल और कर देता और क्या होता, लेकिन मुसलमान है उसको छोड़ दीजिए। ये विचारधारा है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा है। और श्रुति जी हंस रही है, उनको मजा आ रहा है, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए पैरवी की, इसलिए इनको मजा आ रहा है, इसलिए हंस रही है। जो पार्टी जब आप आतंकवाद की इतनी बात कर रहे हैं तो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में भी थोड़ी बात कर लीजिए, तो थोड़ी सी बात प्रज्ञा ठाकुर की भी कर लीजिए ना जैन साहब। अगर आतंकवाद की इतनी बात है तो कुछ कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर के बारे में भी बात कर लिया जाए। जैन साहब बिल्कुल बता लीजिए, आतंकवाद का मतलब उनके ऊपर भी है और जहां बात जमानत की है तो जमानत इसलिए उनको मिली है क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थी। उनके मुकदमे वापस नहीं लिए हमने, हमने उनके मुकदमे वापस नहीं लिए। कौन कह रहा है कि वापस लिए? कौन कह रहा है कि आपने वापस लिए? लेकिन आप ही की पार्टी के सांसद आज भी हैं, आज ही आपकी ही पार्टी के सांसद हैं आज की तारीख में, आपकी पार्टी के सांसद हैं आज की तारीख में। और सुन लीजिए, वो आतंकवादी नहीं है, वो राष्ट्रभक्त है, वो राष्ट्रभक्त है, आतंकवादी नहीं है। आप अपने सब को बोल लीजिए, वो राष्ट्रभक्त है, आतंकवादी नहीं है। यही तो समस्या है, आप आतंकवादी को राष्ट्रपति कहे, एक दो लोगों के खिलाफ आतंकवादी नहीं है, जैन साहब दो लोगों के खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा है, एक खान साहब एक सिंह साहब है, सिंह साहब है तो वो राष्ट्रपति है, खान साहब है तो वो आतंकवादी है, खान साहब की बात की जाएगी तो वो आतंकवादी कहे जाएंगे। अच्छा जैन साहब सुनिए जैन साहब, ये तो एटीएस की चार्जशीट में पता लग जाएगा, ये तो एटीएस की चार्जशीट बता रही है, एटीएस की चार्जशीट देख लीजिए जैन साहब, एटीएस की चार्जशीट वही प्रोसिक्यूशन एजेंसी है जो आपके समय में प्रोसिक्यूशन एजेंसी जैसे एलिगेशन लगाती है ना, तो आप कहते हो ना एक एजेंसी ने कहा, ऐसे ही एटीएस ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी बताया है। कांग्रेस पार्टी अब एटीएस कांग्रेस पार्टी की हो गई? आपके टाइम में इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो निष्पक्ष होती है और दूसरे की पार्टी में होता है तो वो एटीएस निष्पक्ष नहीं होती है। जैन साहब दोनों मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहे, आतंकवाद को पालते पोसते रहे, कोई घटना आतंकवाद का ना कोई धर्म है ना कोई जात है ना कोई मजहब है, आतंक का विरोध मैं करता हूँ और हर किसी को करना चाहिए। जैन साहब एक बात कह रहा था, ये अभिषेक मिश्रा जी हमारे बगल में जो बैठे हैं बहुत सवाल पूछ रहे हैं, इससे ये भी लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज है आपसे, बताइए। हाँ तो विकास दुबे की मूर्तियाँ पार्टियां लगवा तो रही है, विकास दुबे की मूर्तियाँ पार्टियां लगवा तो रही है। हम फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे सभी से, जैन साहब आता हूँ, खुशी दुबे कौन सी आतंकवादी है? और 5 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब तो ब्राह्मणों की याद नहीं आई, आज इनको ब्राह्मणों की याद आ रही है, आज मुसलमानों की याद आ रही है। सवाल उसी से पूछा जाता है जो सत्ता में होता है, आप सत्ता में है तो जवाब आपको देना है, अब उसको आप कोई भी रंग दे दीजिए, वो आपकी अपनी विचारधारा है कि आप उसको क्या रंग दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सत्ता। चलिए समय कम है, जैन साहब मैं आ रहा हूँ मैंने आपका विरोध किया
जैन साहब मैं आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट लेते हैं, आखिरी समय सबसे पहले मैं जाऊंगा रावत साहब, मैं आपके पास जाऊंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सब जो चल रहा है लगातार बाहुबलियों को लेकर, और कहा जाता था एक समय पर कि इन्हीं बाहुबलियों की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती है और इन्हीं के ही कहने पर उत्तर प्रदेश में सरकारें बन जाती हैं। अब जो ये प्रचलन चल गया है बीजेपी ने, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि हमने बाहुबलियों की कमर तोड़ दी, और दूसरी जो पार्टियां हैं छोटी पार्टियां उन्हें अपनी तरफ बुला रही, कुछ पार्टियां उन्हें दूसरी तरफ, कुछ पार्टियां ऐसी जो उन्हें निकाल रही हैं, तो इससे उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो जनता के मुद्दे, उन पर कितना प्रभाव? मुद्दे दब जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ब्राह्मण की बात की आपने, ब्राह्मण इशू उठाया, तो ये जो मेन मुद्दे हैं वो दब गए। ऐसे आप बाहुबली कौन है, वो तो जनता में जो जीत रहा है वो बाहुबली नहीं है ना। बाहुबली एक निश्चित जाति या निश्चित धर्म का नहीं हो सकता है ना। आप देखिए तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं घातक जरूर है, निश्चित रूप से। इसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही या आगे आएगी या प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, जो दरबार ये वही लगा रहे हैं दरबार, वो SDM लगाए तो लोग उनको नकारेंगे। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप देख रहे हैं ये किस तरफ जाएगा और कितना फायदा इससे जनता को होगा? नहीं, ये जो मुद्दा है अपराधियों का, तो मैंने समझता जनता का इससे कोई फायदा होने वाला है क्यों नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है इसी बहाने, जो मुद्दे बीजेपी इसलिए कह रही है कि जो असल मुद्दे उसकी बात ना हो, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात और मुद्दों विकास की बात ना की जाए, बात घूम फिर के फिर वही हो जाए, हिंदू मुसलमान भ्रष्टाचार आतंकवाद, इसके अलावा आगे बीजेपी डाइवर्ट कहीं नहीं करना चाहती, वो सिर्फ धार्मिक आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर वोट को लेना चाहती है और इतने पर ही अपने आप को सीमित रखना चाहती है। और मैंने जैसा कि पहले भी आपसे कहा, जब तक राजनीतिक पार्टियों को लगेगा कि ये अपराधी जीत के आ सकता है, ये जीतने लायक है, यानी जनता जब तक अपराधियों को वोट देना देती थी तब तक ये सारी राजनीतिक पार्टियां अपने खेमे में अपराधियों को टिकट देंगी और जिताएंगी और जनता जिताएगी। ये तय जनता को करना है कि हम किसको वोट दें और किसको ना दें। शिल्पी जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को आप लोगों ने पार्टी ज्वाइन कराई है, बसपा सुप्रीमो ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये भी उम्मीद जता सकते हैं कि मुख्तार अंसारी सपा में भी आ सकते हैं? नहीं, अगर मुख्तार अंसारी को सपा को लेना ही होता, मैंने शुरुआत भी इसी बात से कही थी कि एक व्यक्ति अपराधी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा कुनबा अपराधी हो गया और हम उसको बिल्कुल अछूत कर देते हैं। भारतीय संविधान भी ये कहता है कि जो जिस अपराध की उसको सजा मिल गई, सजा उसने काट ली, तो वो दोष मुक्त हो जाता है, वो बरी हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आजीवन आप ठप्पा लगा दें कि मुसलमान आतंकवादी है, कि मुसलमान अलगाववादी है, कि मुसलमान ही ऐसा होता है, मुसलमान ही वैसा होता है, ये जो पूरा ध्रुवीकरण का खेल शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और नीम इसको जो है आग में घी डालने का काम कर रही है, इनका नुकसान होने वाला है, ये खुद नहीं जान रहे हो। देखिए, पूरी डिबेट करते करते जैन साहब खुद ही चिल्ला चिल्ला के कहने लगे मुसलमानों का तुष्टिकरण। मैं तो हिंदू महिला हूँ, मैंने तो आपसे कहा कि मेरे ऊपर आपकी पार्टी ने राजनीतिक विद्वेष जो लगाए हैं मुकदमे, मैं उनके समेत आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेती हूँ, मेरी विधायकी तय कर दीजिए, यही तो आपकी पार्टी कर रही है। तो ये सारी चीजों से जनता नहीं जा रही है। अभिषेक जी एकदम ठीक कह रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं ये लोग, मुद्दों पे बात नहीं हो रही। आज की ये खबर है कि इनके शीतल पांडे नामक विधायक को गोरखपुर में लोगों ने दौड़ा दिया, उससे पहले सांसद को भगा दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं? तो अब ये क्या करेंगे, ये मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे आप लोग? अच्छी अच्छी बात नहीं करते हैं बीजेपी के लिए? नहीं, हम लोग कैसे कर रहे हैं ये तो ये बताएंगे, अच्छी बात है केवल बीजेपी करती है। जैन साहब से जवाब ले लेते हैं। जैन साहब, 143 विधायक जो आपके इस वक्त हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, क्या आने वाले दिनों में उन्हें भी टिकट मिलेगा या टिकट कटेगा, और इस बार क्या आप लोगों ने तैयारी करी हुई है इन बाहुबलियों को हराने के लिए? देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी कि जो राजनीति में अपराधीकरण है उसका सफाया हो और साफ सुथरी एक राजनीति उभर करके सामने, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्प है, लगातार इसके लिए काम भी कर रही। बात समाजवादी पार्टी की, और अभी आपने एक बड़ा प्रश्न किया था कि बी पार्टी, हर पार्टी कहती बी पार्टी है, तो ओवैसी को ही बी पार्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो दोनों का जो बड़ा वोट बैंक है वो मुस्लिम है। और अभी समाजवादी पार्टी की हमारी बहन ने बार बार एक बात कही कि आपने 7000 इनकाउंटर किए, उसमें से ज्यादातर मुसलमान थे, उसकी हम जांच कराएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी भी यही बात कहते रहे कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, CA का जिन्होंने विरोध किया, जिनके खिलाफ आपने मुकदमे कायम किए, उनको भी हम छोड़ देंगे, सारे मुकदमे वापस लेंगे। तो कुल मिलाकर के जितना चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, ये सारी की सारी पार्टियां केवल इनका केंद्रीकरण
मुस्लिम वोट पर है, इसलिए मुसलमान कुछ भी करे, क्यों ना आतंकवादी ही हो, उसके मुकदमे भी वापस लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इस तरीके के छद्म कार्य नहीं आना चाहती। चलिए आने वाले बिल्कुल इस तरीके के छद्म कार्य करके वो सत्ता में नहीं आना चाहती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रमुख मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जिस तरह से करीब है और जिस तरह से ये गठजोड़ शुरू हो चुका है, अब वोटों की बिसात बिछाने से लेकर के बाहुबलियों को अपनी तरफ खींचना और अपनी पार्टी को साफ करने का, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बाकी के मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा है, बेरोजगारी है, जिसमें कहीं ना कहीं बीमारी है, जिसमें कहीं ना कहीं कोरोना है, जिसमें कहीं ना कहीं महंगाई है, ये सारे मुद्दे दबते तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के बल पर चुनाव लड़ा जाता रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से, और जीत करके उन बाहुबलियों को कुर्सियां भी दी गई हैं, विधानसभा हो या फिर संसद भवन हो। तो अब आगे क्या रणनीतियां रहेंगी उत्तर प्रदेश में, ये जो प्रमुख मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, इन पर विचार विमर्श कोई राजनीतिक दल करेगा या नहीं करेगा, ये देखना अहम होगा। लेकिन इस वक्त फिलहाल इन बाहुबलियों को लेकर राजनीतिक बाजार उत्तर प्रदेश में गर्म है। हम आगे जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे आपको, और कोशिश यही करेंगे कि जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर सरकार के बीच जाएं और इस बार का जो ये चुनाव हो वो जन सरोकार के नाम पर हो। आज की डिबेट में इतना ही, अमित जी अनुमति, नमस्कार।